نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما अल्लाह का फजल और करम है कि हम इस वक्त माह रमज़ान से गुजर रहे हैं, जो रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग, अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल कर दे, जो इस महीने का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने के फ़राइज़ और दीगर मसनून आमाल का एहतमाम कर रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों, बख्शिशों को पा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसों को इस्तकामत अता फरमाए और हमारे वो मुसलमान भाई जो अभी तक गफलत का शिकार है, उन्हें नसीहत और तंबीह है कि वो अपने आप को महरूम न करें, आगे बढ़ें और इस महीने की बरकतों को समेटें, सआदत दारैन की राह पे चलें। इस नसीहत के साथ साथ हम इनके लिए भी इस्तकामत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे और इस्तकामत अता फरमाए। मेरे भाइयों, आधा महीना गुजर चुका है, आधा महीना समझो बाकी है। हम सब अपना मुहासबा करें कि अब तक क्या हमने हासिल किया है। इससे ज्यादा भी हम मेहनत कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कोशिश कर सकते हैं, तो जरूर करें। यह अजीम शान महीना है, इसकी कदर करें और इसमें ज्यादा मेहनत करें। साहबा कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फी रमजान माला यजतहिदु फी गैरिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में मेहनत करते थे, कोशिश करते थे,
ऐसी मेहनत और कोशिश जो गैर रमजान में नहीं होती थी। और अगला जुमला है वफिल अशर अवाखिर माला यजतहदुफी गैरी, और आखिरी अशरे में आप मेहनत करते थे जो पहले दो अशरों में नहीं होती थी, जबकि मैं और आप अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को जानते हैं कि आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत, दीन पर अमल, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की अदायगी में गुजरता था। जिंदगी भर का मामूल था, आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कसरत से आप नफली रोजे रखा करते थे, तहज्जुद का अहतमाम करते थे, किसी साइल को रद्द नहीं किया, कसरत से अज़कार किया करते थे, दुआएं किया करते थे। आम हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत कोशिश बहुत होती थी, तो माह रमजान में किस कदर होती हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इस महीने की कदर करें, जो इस महीने में फराइज हैं उनका खास एहतमाम करें, जिनमें अहम तरीन दो इबादतें हैं, दो फरीजे हैं, एक रोजा और एक जक़ात। जक़ात अगरचे रमजान के साथ खास नहीं, जक़ात का मामला है सालाना बुनियादों पर, हर शख्स अपने माली मामलात में कोई दिन कोई महीना मुकर्रर कर सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर ये सोच पाई जाती है और ये तर्ज अमल है कि माह रमजान में जक़ात निकाली जाती है। तो इस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूं, वगरना जो जिस मामूल पर कायम है उसकी रोशनी में इस जक़ात जैसे अहम फरीजे का खूब एहतमाम करें, और जो दीगर आमाल हैं क़ियामुल लैल, तरावी, सदकात व खैरात, कुरान की तिलावत, और आखिरी अशरा जो करीब है उसमें इतिकाफ, या फिर कम से कम आखिरी अशरे की रातों की इबादत, या उससे भी कम से कम ताक रातों की इबादत ताकि शबे कदर मिल जाए, तो ये इस महीने की मेहनतें। अगर इस नहज पर हम और आप चलेंगे, इन सारे आमाल का अहतमाम करेंगे, तो फिर ये रहमतों का महीना हमारे लिए बायस रहमत है, बख्शिश का महीना हमारे लिए बायस बख्शिश है, और जहन्नम से आज़ादी का महीना हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का महीना बन सकता है। ये हमें मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, मौके से फायदा उठाना चाहिए, ये अल्लाह ने ये मौका आपको दिया है। इन बहुत सारे आमाल को इख्तियार करने का, तरबियत हासिल करने का, नेकी की राह पे चलने का अल्लाह ने ये मौका दिया है। याद रखो, इस्लाम खाली नाम की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इस इस्लाम पर अमल होना चाहिए। हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, अल्लाह की इबादत, गुनाहों से बचना, अहकामात पर अमल, अखलाक हसना, ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करें, यही सच्चा मुसलमान होना है, यही जन्नत का रास्ता है, यही अल्लाह के कुर्ब का रास्ता है, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है, यही असल जिंदगी है, पुरसआदत जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी ये।
इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों, तुम में से अल्लाह के यहां इज्जत वाला वो है जो तकवा पर कायम, और जो जिस कदर ज्यादा तकवा पर कायम है उसी कदर ज्यादा वो अल्लाह के यहां मोहतरम है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ हमारे हबीब, आप बता दें कि लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मैं अल्लाह का हबीब और रसूल हूं, मेरी इत्तबा करो। इसमें यह इशारा है कि दीन पे अमल करो, लेकिन दीन पर अमल में नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन पर अमल के लिए एक बेहतरीन नमूना और मिसाल है। तो अल्लाह से मोहब्बत का हम सबको दावा है, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत की दलील रसूलुल्लाह सल्लम की इत्तबा की सूरत में दीन पर अमल, पूरे दीन पर अमल। इत्तबा में खाली रमजान के रोजे नहीं आते, इत्तबा में खाली अकीदे की सेहत नहीं आती, बल्कि अकायद, आमाल, अखलाक, इबादात, आदात, अहकामात, मामलात, हत्ता के रहन सहन, तहजीब व तमद्दन सब आता है। फत्तबिउनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी की इत्तबा करो। इसका फायदा क्या होगा, क्या सआदतें मिलेंगी, क्या इज्जतें मिलेंगी, क्या रिफ़अतें मिलेंगी? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के दीन पर अमल इत्तबाए रसूल की रोशनी में, यह है सआदत का रास्ता। खाली माल कमा लेना, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाना, बड़े बड़े मोहल्लात कायम कर लेना, खाली ये चीजें, ये सआदत का रास्ता नहीं है। शरीयत ने इनकी इजाजत दी है शरी हुदूद में रहते हुए, इसराफ और फजूल खर्ची से बचते हुए, लेकिन ये चीजें सआदत का रास्ता नहीं है। लौकानत दुनिया इंदल्लाह जनाह बउज़तिन मा सका मिन्हा काफिरन शुरबत माइन। अगर अल्लाह ताला के यहां इस पूरी दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी का ना देता। इसलिए अल्लाह ताला के यहां इज्जत का मेयार और बुनियाद वो दीन पर अमल, शरीयत पर अमल। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो ईमान और अमल सालेह पर कायम हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बतें अता फरमा देता है, और अल्लाह ताला उन्हें अपने नेक बंदों में महबूब बना देता है। इसलिए ये सआदत का रास्ता है, चुन लो इस सआदत के रास्ते को, इंतखाब कर लो इस सआदत के रास्ते का। अल्लाह ताला फरमा रहा है وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ। अपने रब की बख्शिश पाने के लिए और अपने रब की जन्नत पाने के लिए तेजी दिखाओ, जल्दी करो, आगे बढ़ो। इसलिए यह सआदत का रास्ता है। मुख्तसर लफ्जों में कह सकते हो ईमान और अमल सालेह यह सआदत का रास्ता है, लेकिन यह सआदत का रास्ता तब बनेगा जब सही मानों में ईमान और अमल सालेह हो। इसमें दो बुनियादी बातें, एक ईमान और अमल सालेह पूरा हो, मुकम्मल हो, अधूरा ना हो, नाकिस ना हो, कि कुछ अकीदा शरीयत से ले लो और कुछ कौम बिरादरी से ले लो, कुछ जाति पसंद हो ना पसंद से ले लो, अमल भी पूरा हो। ये नहीं है कि कुछ बातें करो कुछ छोड़ दो, कुछ फराइज अदा करो कुछ छोड़ दो। अल्लाह का हक अदा हो रहा है तो बंदों का नहीं, बंदों का हो रहा है तो अल्लाह का नहीं। कुछ बंदों का हक अदा हो रहा है और कुछ बंदों का नहीं हो रहा, नहीं, पूरा अमल होना चाहिए, पूरा अमल। और इसके साथ साथ ये पूरा अमल अकीदा हो या इबादत हो, अज़कार हो, जो कुछ भी हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके फरामीन, आपकी सुन्नत के ताबे हो।
इस चीज को भी याद रखो। और फिर ये माह रमजान अगर कोई अब तक कमी रह गई है, कोताही रह गई है, तो आओ इस महीने का हक अदा करके इस कमी और कोताही का इजाला करो। कमी और कोताही दो एतबार से, एक ये कि आप बहुत ज्यादा नवाफिल का एहतमाम नहीं कर सके, सगीरा गुनाह हो गए आपसे, तत्वात का एहतमाम नहीं कर सके, इस बुनियाद पर आप दरजात उला से महरूम हैं, ढेरों अजर सवाब से महरूम हैं, बस फराइज हैं और गुनाहों से बचे हुए हैं। ये भी बहरहाल बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ी कमी है ये, बड़ी कोताही है ये। आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है, सेहत दी है, फरागत दी है, तवंगरी दी है, तो खूब नेकियां कमाओ, खूब दरजात उला कमाओ, खूब से खूब अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा यज़ाल अल-अब्दु यतकर्रबु इलैया बिन-नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी मोहब्बत की बुनियाद मेरे मुकर्रर करदा फराइज को अदा करना है, और फिर इन फराइज की अदायगी के बाद जो बंदा तत्वात, नफली इबादात, सवाब के वो काम जो फर्ज नहीं है उनको इख्तियार करता है और मुसलसल ऐसे अमाल को करता रहता है जो सवाब का बायस है, अल्लाह की रजा का बायस है, अल्लाह के कुर्ब का बायस है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बंदे की ये मेहनत और कोशिश और काविश एक ना एक दिन इसे इस मकाम तक पहुंचा देती है कि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। यह है सआदत की राह। लेकिन अगर हमारी जिंदगी इस नहज पे नहीं है तो फिर आओ इस माह रमजान में इन मसनून आमाल का खूब पूरी पाबंदी के साथ एहतमाम करें, ताकि ये जो कमी थी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया ये पूरी हो जाए, हमारे अजर व सवाब में इजाफा हो, और फिर इन आमाल की कसरत से हमारे गुनाहों की बख्शिश हो। क़ियामुल लैल यानी इसे हम रमजान में तरावी कहते हैं, और शबे कदर का क़ियाम, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, ये गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है, तो इनका खूब एहतमाम कर, खूब एहतमाम कर, तो इस तरह इस कमी को पूरा कर, अपने अजर व सवाब में इजाफा करके, तिलावतें करके, अज़कार करके, सदकात और खैरात करके, मस्जिदों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार के, फरागत है और हिम्मत है तो एतकाफ की सुन्नत अदा करके, और शब कदर को पाने की कोशिश करके, ये खूब अजर सवाब का माल है, दरजात उदा का माल, इस तरह इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें इन आमाल के जरिए। और ये जो महीना है, ये महीना इस कमी को पूरा करने के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए हमारी तरबियत का महीना है। इस महीने को इन मसनून आमाल के साथ गुजारेंगे, एक महीना मुसलसल आप रोजे रख रहे हैं जो फर्ज है, और नमाज तमाम सुनन के साथ, सुन्नतों के साथ अदा कर रहे हैं, वक्त पे अदा कर रहे हैं, बाजमात अदा कर रहे हैं, इसी तरह सदकात कर रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, आखिरी अशरे की अलग से मेहनत है, फिर ताकरातों की अलग से मेहनत है। अब एक महीना अगर ऐसा गुजारें तो ये एक महीने की तरबियत आपको मुत्तकी बना देगी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, आपको हमेशा के लिए नेक बना देगी, हमेशा के लिए सालेह बना देगी, और आपको गुनाहों से दूर कर देगी। ये एक महीना आप मासीयत से दूर होकर गुजारें, फजूलियात से, खुराफात से दूर होकर गुजारें, गुनाहों से, बुरी मजलिसों से दूर होकर गुजारें, तो ये तरबियत का महीना भी, साबका कमी और कोताहियों के इजाले का महीना,
या खूब अजर सवाब कमाएंगे। और मुस्तकबिल के लिए तरबियत का महीना, और फिर मजीद अगर कसरत से इस्तगफार करें, कसरत से तौबा करें, तो सुभान अल्लाह वो जो गुनाह है सगीरा कबीरा, वो सच्ची तौबा और इस्तगफार से सगैर के साथ साथ कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं। और तौबा में साथ में ये अजम होता है आइंदा गुनाहों के करीब ना जाने का। ये आमाल सालिया, ये रोजा, ये नमाज, ये सदकात, ये खैरात, ये क्याम, ये गुनाहों का कफारा हैं। लेकिन इसमें दो बातें याद रखें, एक ये कि सगीरा गुनाहों का कफारा है, कबीरा का नहीं, और नंबर दो अमल से ये सगीरा गुनाह माफ होते हैं, मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आप बार बार इस्तगफार करें और बेखुसूस बाकायदा बिल अजम बिल इरादा सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा, दुआ की कबूलियत की घड़ी, तन्हाई का एहतमाम, अलग से बैठ के तौबा करें, ऐसी तौबा जिससे आपकी आंखें बह पड़े, आपका दिल दहल जाए, पूरी शरायत के साथ गुनाहों पे शर्मिंदा, अपने किए पे नादिम, गुनाहों को छोड़ने का अजम और यकसर छोड़ देना और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता अजम, और जिस किसी के साथ ज्यादती हुई है इस ज्यादती के इजाले की पूरी कोशिश, इन शरायत के साथ तौबा करें, तो इसमें एक अहम बात क्या है, आइंदा गुनाह ना करने का अजम, सच्ची तौबा में यह अहम बात है। वो बंदा जो इसलिए तौबा कर रहा है कि यह गुनाह माफ करा लूं, आइंदा देखी जाएगी, इसने तौबा नहीं की, इसकी तौबा कबूल नहीं है। तौबा का माना तो है गुनाहों से रुजू करना और अल्लाह के साथ वादा करना, अजम करना। ये सच्ची तौबा से क्या होगा, आइंदा जिंदगी पर इसके असरात पड़ेंगे और आप मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे। इन सारी चीजों का आप एहतमाम करें, इन सब चीजों का आप एहतमाम करें। यह तरबियत का महीना है, एक महीना गुनाहों से बच जाना और एक महीना मुसलसल अमल करना, जो कोई मामूली बात नहीं है, इसका आप एहतमाम करें, इन सारी बातों का। और खास तौर पर नवाफिल, खाली रोजा नहीं और खाली सिर्फ तरावी नहीं, नमाजें पूरी पाबंदी के साथ पढ़ें। अभी आप सोचें, गौर करें, मुहासबा करें, आप में से कितने हैं जिनकी अब तक की एक नमाज भी नहीं छूटी, और मजीद गौर करें कि अब तक कितने जिन्होंने सारी नमाजें जमात से पढ़ी हैं। मजीद गौर करें आप में से कितने हैं जिन्होंने सारी नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ी। मजीद गौर करें कितने हैं जिन्होंने ये सारी नमाजें नमाज से पहले और बाद की सुन्नतों की अदायगी के साथ पढ़ी। यकीनन इस तरह नतायज निकलते जाएं तो बहुत कम बच जाएंगे, बहुत कम। पहले दिन से अजम कर लें या फिर अभी से अजम कर लें, ये जो मैंने बताया नमाजें पूरी पढ़ना, जमात से पढ़ना और नमाज से पहले और बाद की सुनते पढ़ना, तकबीर उला के साथ पढ़ना, ये तो हर दिन का मामूल होना चाहिए। और हमारा रमजान में भी ये मामूल ना हो, क्या फिर हमने कदर की, क्या हमने कदर की कि रमजान में भी हमारा मामूल ना हो, रमजान में भी हम महरूम हो जाएं। अभी माशाल्लाह मस्जिद भरी लग रही है, लेकिन जब खुतबा शुरू हुआ तो आधे लोग थे। रमजान में भी अपने आप को जुम्मे की सआदत से महरूम किया, कितनी अफसोसनाक बात। ये तो तरबियत का महीना था, ये तो ट्रेनिंग का महीना था कि रमजान में हमने हर हर मामले में सुन्नत की इत्तबा करनी है। कितने बड़े सवाब से महरूम हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा जुम्मे के दिन घर से तैयार होके जल्दी निकलता है और खुतबे से पहले मस्जिद में पहुंचता है,
अजान से पहले मस्जिद में पहुंचता है, उसे एक साल के अजर व सवाब के बराबर सवाब मिलता है। और एक साल के बारे में दो बातें फरमाई, फरमाया साल भर के रोजों का सवाब और साल भर की शब बेदारी का सवाब उसको मिलता है। आप लोग महरूम हो गए, साल भर भी महरूम रहते हैं, माह रमजान में भी महरूम हो गए, तो ये तो कोई जज्बा ना हुआ, ये कोई शौक ना हुआ। जज्बा और शौक तो ये था कि कोई नमाज जाया ना हो, जमात से जाया ना हो, तकबीर उला से जाया ना हो और सारी सुनतें अदा करें। ये असल साल भर हर दिन और रात का ये मामूल होना चाहिए। और अगर कि मुसलमान का, हम जैसों का जिनका दीन से ताल्लुक है, रमजान में भी ये मामूल ना बन सके, हत्ता के जुमे के दिन ये मामूल ना बन सके, तो फिर अफसोसनाक बात, अफसोसनाक बात। ये जो तत्वात हैं, नवाफिल हैं, ये मामूल ही नहीं है। इन नवाफिल से नेकियों में इजाफा होता है। नवाफिल से मुराद हर वो नेक काम जो फर्ज नहीं है और सवाब मिलता है, चाहे वो नफली नमाज हो, नफली रोजा हो, नफली सदका हो, तिलावत हो, अजकार हो, सिला रहमी हो, किसी के साथ खैरखाई हो, हमदर्दी हो, अच्छाई हो, किसी की मदद करना हो, ये सारे उमूर बायस अजर व सवाब है। ये इंसान के दर्जात में बुलंदी का बायस है, अजर व सवाब में इजाफे का बायस है, इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जैसे अभी मैंने हदीस सुनाई, ला इज़ाल अब्दु यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, हदीस के लफ्ज हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा नवाफिल के जरिए मुसलसल मेरे कुर्ब का मुतलाशी रहता है, हत्ता के इस मकाम तक पहुंच जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। यह नवाफिल मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। इनका एक फायदा यह है कि इंसान इन नेकियों में पढ़कर गुनाहों से दूर हो जाता है, फजूलियात से दूर हो जाता है। जब उसे फिक्र है कि मैंने सारी नमाजें जमात से पढ़नी है, नवाफिल अदा करनी है, कभी कभी तिलावत भी करनी है, अजकार के लिए वक्त निकालना है, और जो मेरे सामने नेकी का काम आएगा मैं वो नेकी का काम करूंगा, कभी बीमारों की यादत के लिए जा रहा है, कभी जनाजों की अदायगी के लिए जा रहा है, कभी किसी दरस कुरान में जा रहा है, वगैरह वगैरह, तो जब वो अपने आप को इन नेक कामों में, सवाब के कामों में मसरूफ रखेगा, इसका क्या फायदा होगा? गुनाहों के लिए, फजूलियात के लिए, खुराफात के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे इस उम्मत के, बल्कि सारी उम्मतों में अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान है, ये उनकी खूबी थी। आप हदीस सुनते हैं, सुन रखिए, एक मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज रोजा किसका है? ये नफली रोजे की बात हो रही। अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने पूछा, अब बताना जरूरी था, बताना जरूरी था, पूछने पर बताया, वगरना नहीं बताया, ये रियाकारी के मुनाफी नहीं था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने पूछा, अब इतात और फर्मा बरदारी का तकाजा था कि आप बता दें, तो कहा जी मेरा रोजा है। आपने पूछा आज सदका किसने किया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी मैंने किया। आपने पूछा आज किसी बीमार की इयादत किसने की है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने की है। आपने पूछा आज किसी मुसलमान भाई का जनाजा किसने पढ़ा है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने पढ़ा है। यह है नेकी की जिंदगी, यह है तकवा की जिंदगी, यह है परहेजगारी की जिंदगी, यह है मौके से फायदा उठाना, मौके से फायदा उठाना। हमारे सामने कितने मवाके आते हैं, हम उनको जाया कर देते हैं, जाया कर देते हैं। एक मर्तबा जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ता है उसे एक किरात सवाब मिलता है, एक किरात उहद पहाड़ के बराबर, और जो कोई मुसलमान भाई की तदफीन तक भी जाता है उसे एक मजीद किरात का सवाब मिलता है। यानी जनाजे और तदफीन में शिरकत पर दो किरात का सवाब मिलता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पहली दफा सुनी, इतना सवाब, इतना अजर,
तो कहा अबू हुरैरा क्या बयान कर रहे हैं आप, पहली दफा हदीस सुन रहे हैं, इतना अजर व सवाब। अबू हुरैरा ने कहा मैंने यह हदीस एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, कई मरतबा अपने कानों के साथ सुनिए, खुद सुनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब्दुल्ला बिन उमर ने पता क्या कहा, कहने लगे हाय अफसोस, हमने अब तक कितने ही किरात जाया कर दी। अभी जुमे की जो फजीलत मैंने बताई, अबू दाऊद की रिवायत थी ये कि जो अजान से पहले पहले मस्जिद में पहुंचता है उसे साल भर के रोजों का और साल भर की शब बेदारी का सवाब मिलता है। जो इस हवाले से कमी कोताही करते हैं, क्या एक लम्हे के लिए पूछें अपने आप से, उनके दिल में यह ख्याल आया हाय अफसोस हमने अब तक कितने सवाब जाया कर दिए, कितने अजर जाया कर दिए। मेरे भाइयों, ये दुनिया अजर सवाब कमाने का रास्ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, बड़ी मारूफ हदीस है, इग्तनिम खमसन कबल खमसन, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो, गनीमत जान लो। फरमाया हयात का कबल मौतिक, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। शबाब का कबल हरमक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। सेहत का कबल फराग, सेहत को फरागत से पहले, सेहत का कबल सकमक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान लो। फराग का कबल शगल, फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। व गिना का कबल फक्र, तवंगरी को, मालदारी को फक्र फाका से पहले गनीमत जान लो। गनीमत जानने का क्या मामला है? गनीमत जानने का एक ही मतलब है, इन मौके से फायदा उठा के अजर कर कमा लो, सवाब कमा लो, दरजात उला कमा लो, हुकूकुल्ला अदा करो, हुकूक इबाद अदा करो, ताकि तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिले, दरजात उला मिले। तो अल्लाह के रसूल सस्तम हमें यह तरकीब दे रहे, तो माह रमजान में कम से कम ये मामूलात बनाए अपने, इस महीने को नेकियों का महीना बनाए। कहा जाता है ना कि ये नेकियों का सीजन है, कहा जाता है ये नेकियों का मौसम है, बहार है, तो फिर इसको नेकियों का मौसम है बहार बनाओ, इस गफलत से बाज आ जाओ। ये जो नवाफिल है, नवाफिल उसका एक बड़ा फायदा बताता हूं, हम तो इनको नफल समझ के छोड़ देते हैं, सलाम फिरा और चले जाते हैं, ऐन नमाज के वक्त आते हैं, पहले सुनते भी गई, बाद की भी गई, और सिर्फ जकात तक महदूद है, वो भी रमजान में, और साल भर खर्च नहीं करते, बैठ के अजकार नहीं करते, तिलावत नहीं करते, कसरत से इस्तेतात के बावजूद हज और उमरा नहीं करते कि माल खर्च होता है, कारोबार में फर्क पड़ता है, लेकिन इन नवाफिल का फायदा सुने, इन नफली कामों का फायदा सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज को बतौर मिसाल जिक्र करके, जब बंदे की नमाज तोली जाएगी, चेक की जाएगी, देखी जाएगी, अगर उसकी नमाज में कुछ कमी है, हदीस पूरी यह है कि अगर उसकी नमाज का मामला दुरुस्त है, पूरा है, मुकम्मल है, तो सारे मामलात में उसके लिए आसानी की जाएगी। अब बाकी सब मामलात में आसानी, और अगर नमाज के मामलात में कोई कमी है, कमी यही है कि जमात से नहीं पढ़ी, सुस्ती कर गया, कमी यह है, कमी यह है कि खुशू और खुजू का वो मैयार नहीं था जो होना चाहिए, कमी यह है कि बसावकात इसकी नमाजें कजा हो जाती थी, ये कमी है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे इस बंदे की नमाज है लेकिन ये कमियां भी हैं। उन्ज़ुरु हल अब्दी मिन तत्वुइन, देखो क्या मेरे बंदे की कोई नफली नमाज है, कोई तहज्जुद, कोई सुनतें, कोई इशराक जुहा कुछ है, देखो मेरे बंदे के लिए। और अगर उसके बंदे की ये चीजें हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके जरिए इसकी नमाज की कमी को पूरा करो, इसकी नमाज की कमी को पूरा करो। हल अब्दी मिन तत्वुइन, कितना बड़ा फायदा है, ये बहुत अजीम शान फायदा है। और इसके साथ साथ तरबियत का एक बेहतरीन जरिया आपको बताता हूं, इस्लाह का, तरबियत का, वो है हुसूल इल्म। और हुसूल इल्म की एक बेहतरीन सूरत बताता हूं, और वो है कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना।
आप कुरान पढ़ते हो, पढ़ना का सवाब है, अजर है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कुरान ये किताब हिदायत है, किताब नसीहत है, किताब फुरकान है, किताब नूर है, ये किताब नसीहत है। नसीहत जानते हो किसे कहते हैं? नसीहत कहते हैं किसी को समझाना, भटके हुए को समझाना, गाफिल को समझाना, बदअमल को समझाना, बद किरदार को समझाना, उसे उसकी बदअमली का बुरा अंजाम बताना, उसे अच्छाइयां बताना और अच्छाइयों का अच्छा अंजाम बताना, इसे कहते हैं नसीहत। और ये कुरान मजीद किताब नसीहत है। जो बंदा चाहता है मेरे दिल में अमल का जज्बा नहीं है, दीन से दूर हूं, गफलत खत्म नहीं होती, दीन की तरफ ध्यान नहीं है, गुनाह हो जाते हैं, नमाजों में सुस्ती हो जाती है, ये गलती पर है, ये कोताही पर है, ये गलत रास्ते पर है, अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा कुरान ये किताब नसीहत है। इसको आप खुद पढ़ते हैं तो ठीक है, तिलावत का भी अलग से एक शेड्यूल बनाए कि आपने हर दिन इतना पढ़ना है, रमजान में हर दिन इतना पढ़ना है, ये ठीक है, लेकिन एक शेड्यूल बनाए तर्जमे के साथ पढ़ने का, इस पर तदब्बुर करने का, इस पर गौर व फिक्र करने का, खासतौर पर माह रमजान में, क्योंकि आप वक्त निकालते हैं, वक्त निकालते हैं आप, तो फिर एक वक्त निकालें इस कुरान मजीद पर तदब्बर करने का, ताकि आपको नसीहत हासिल। ये कुरान किताब हिदायत है, भटके हुए की रहनुमाई करती है, ये किताब कुरान फुरकान है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करती है, ये किताब किताब नूर है, रोशनी है, रोशनी जो शिर्क के, कुफर के, इल्हाद के, बिदात के, बदअमली के, फिस्क फजूर के अंधेरों में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये रोशनी है, रोशनी, ये सब वाजे हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। कुरान मजीद के साथ ये ताल्लुक भी कायम कर, ये ताल्लुक कायम कर, और मजीद तरबियत के हुसूल के लिए ये जो दुरूस होते हैं माह रमजान में, ये मसाजिद इंतजामिया अल्लाह इनको जजाय खैर दे, हमारे उलमा को अल्लाह जजाय खैर दे, मसाजिद इंतजामिया ये जो मस्जिदों में दुरूस के प्रोग्राम बनाती है, लोगों ये तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए है, तुम्हारी इसलाह के लिए है। अगर कुरान को तर्जमे से नहीं पढ़ सकते, तरावी पढ़ते हो लेकिन तर्जमा नहीं जानते, तिलावत करते हो तर्जमा और माना मफहूम नहीं जानते, वो जो हिदायत और नूर और नसीहत और फुरकान था वो पैगाम आप तक नहीं पहुंचता, आपकी सलाह नहीं हो रही, तजकिया नहीं हो रहा, तो फिर इन मौके से फायदा उठाओ। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं और तो चल के जाना तो दूर की बात है, अपनी मस्जिदों के प्रोग्रामों में आधे से ज्यादा लोग शरीक नहीं होते, इल्ला माशाअल्लाह। रमजान में फिर भी कुछ ना कुछ जज्बा देखा जाता है, आम हालात में तो इल्ला माशाअल्लाह जोक शोक खत्म होता चला जा रहा है। ये मसाजिद इंतजामिया की कोशिशें, ये आप लोगों के लिए, ये उलमा दूर दराज का सफर करके रोजे की हालत में, गर्मियों में, दिनों में, सहरियों में, इफ्तारियों में, तरावी के बाद आपके पास पहुंचते हैं, आप लोगों की दावत पर, इंतजामिया की दावत पर, दीन सिखाने के लिए, दीन पहुंचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, तो फिर कुछ तो सोचो, गौर करो कि हमारी तरबियत का एक भरपूर इंतजाम है यहां पर और हम उसमें शरीक नहीं होते, बैठते नहीं हैं, तो फिर कैसे इसलाह होगी, कैसे तरबियत होगी। खास तौर पर वो लोग यहां वही बैठते हैं जो माशाअल्लाह पहले से तरबियत याफ्ता हैं, और जो जिनको जरूरत होती है वो शरीक नहीं होते, वो बैठते नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि रमजान की इस बरकत से महरूम हो जाते हैं, इस बरकत से महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरफ तवज्जो दें, इस तरफ ध्यान दें, इन सारे पहलुओं को सामने रख के इस माह रमजान को अपने लिए अजर सवाब का माने, दर्जात उला का माने, और मगफरत और बख्शिश हासिल करने का महीना बनाएं। जब आप इस तरह ये सारी मेहनतें करेंगे जिनकी तरफ हमने इशारा किया है, तो फिर ये महीना आपके लिए क्या बन जाएगा। इत्कुम मिनन नार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार ज़ालिका फी कुल्ली लैलतिन, कि अल्लाह ताला हर रात
कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। ज़ालिका फी कुल्ले लैलतिन, और ये हर रात का मामला है, हर रात बहुत सारे लोग जहन्नम से आजाद होते हैं। लेकिन जहन्नम से आजादी का मतलब जानते हो कि अल्लाह ताला उनके बारे में गोया ये जानता है, ये फैसला कर लेता है कि अब इनकी बकिया जिंदगी दीन पर होगी, तौहीद पर होगी, कुफ्र शिर्क बिदात गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे ये लोग। ये अल्लाह ताला उनके बारे में ये जानता है और उनको जहन्नम से आजादी का सर्टिफिकेट दे देता है। अब आप सोचें, क्या आपका ये अजम है कि आइंदा के लिए हमेशा फराइज अदा करेंगे और गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, और दीनदारी के हवाले से एक मजबूत बन जाएंगे? क्या ये अजम है? अगर ये अजम है तो मेरा और आपका शुमार हो सकता है उन लोगों के फहरिस्त में जिनको जहन्नम से आजाद किया जाता है। लेकिन अगर ये सोच और फिक्र ही नहीं है, बस एक रेस लगी हुई है, सब रमजान में यूं करते हैं हम भी यूं कर रहे हैं, लोग तरावी पढ़ने जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, कुरान की तिलावत करते हैं लोग हम भी कर रहे हैं, चलो यार बहुत गुनाह हो गए, थोड़ा सा माह रमजान में अमल करके बख्शवा दो। कोई इस्लाह का जज्बा, दीन पर अमल का जज्बा, दीनदारी का जज्बा, दीन सीखने का जज्बा और आइंदा के लिए पूरी तरह दीन पर कायम होने का जज्बा नहीं है तो कहां से बख्शिश होगी? सच्ची तौबा तो आपने की नहीं, आइंदा के लिए पुख्ता अजम तो आपने किया नहीं, तो फिर कैसे जहन्नम से आजादी मिलेगी? जहन्नम से आजादी उन्हीं को मिलती है जो मौका जानते हैं कि बड़ी गलतियां हो गई, अब इंशाल्लाह डट के मेहनत करके गुनाहों को माफ कराएंगे, बड़ी कुताहियां हो गई, अब इंशाल्लाह खूब अजर सवाब कमाएंगे और फिर आइंदा के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा, गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे और फिर फराइज और वाजिबात में कमी नहीं होगी। ये जज्बा और इसके साथ साथ ये आमाल, ये मेहनतें कबूल होंगी तो बख्शिश होगी, कबूल होंगी तो जहन्नम से आजादी मिलेगी। अगर कबूल ही नहीं है, अगर कबूल ही नहीं है तो बख्शिश कहां से होगी? कबूल ही नहीं है, जहन्नम से आजादी कहां से होगी? आप सुनते रहते हैं, इखलास ये कबूलियत की एक अहम तरीन असास है। क्या इखलास है? इखलास है हर शख्स चेक करे, फरीजा अदा करने आए हैं, अब तक की कमी का इजाला करके अजर व सवाब कमाने आए हैं, अल्लाह के कुर्ब से दूर थे अल्लाह का कुर्ब हासिल करने आए हैं, अल्लाह की मोहब्बतें पाने आए हैं, नेकी कमाने आए हैं, सवाब कमाने आए हैं, आखिरत की फिक्र के जज्बे के साथ आए हैं, ये सोचें और गौर करें। अगर ये है तो एक बुनियाद मौजूद है, इससे बढ़कर जो बुनियाद है वो क्या है? वो आज कहां है लोगों में? और वो है तौहीद की बुनियाद, शिर्क से पाक होने की बुनियाद, सच्चे अकीदे की असास और बुनियाद, हिदायत पर कायम हो जाना इसकी बुनियाद। आज कहां है ये बुनियाद? जिस शिर्क पर, कुफ्र पर, इल्हाद और जिंदीकियत पर पहले से कायम होते हैं, उसी बदबूदार अकीदे के साथ, बदबूदार नजरियात के साथ हम मस्जिद में आ जाएं, रोजे रख लें, तिलावत कर लें, तरावी पढ़ लें, सदका कर लें, इफ्तारियां करा लें, तो बुनियाद तो कायम ही नहीं की। आज इस तरफ ध्यान नहीं। याद रखो, आमाल की कबूलियत की कुछ बुनियादें हैं, उनमें सर फहरिस्त ईमान है, अकीदा है, उसकी सेहत, अपने अकायद और नजरियात, बिलखसूस अल्लाह के मुतालिक खालिसतन किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हों, शिर्क और कुफ्र और शक और शुभ से पाक हों, ये बुनियाद। आज तो कदम कदम पर शिर्क है, शिर्क के अड्डे हैं, रुबूबियत में अल्लाह को शरीक, उलूहियत में अल्लाह को शरीक, अल्लाह की सिफात चुन चुन के मखलूकात के लिए साबित की जाती हैं। अल्लाह के बंदो, इससे डर जाओ, डर जाओ इससे, अपने ईमान को दुरुस्त करो। और ईमान की दुरुस्तगी, बिलखसूस ईमान की दुरुस्तगी कुरान मजीद के साथ हासिल होती है। अगर इसको तर्जमे से, माने और मफहूम के साथ पढ़ोगे
तो इंशाअल्लाह ताला अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। यह हमारा पैगाम है, यह हमारी नसीहत है। जिस कुरान को शौक से पढ़ते हो, जिस कुरान को शौक से सुनते हो, इस कुरान को शौक से समझने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला आपके अकीदे की इस्लाह हो जाएगी। और इसके बाद जरूरी है कि आपके सारे आमाल सुन्नत के मुताबिक हों, सर से लेकर पांव तक, अव्वल से लेकर आखिर तक सुन्नत के मुताबिक हो। कहीं कोई बात माज अपने इमाम, पीर, मुर्शिद, कौम, बिरादरी, जाति, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ना हो, पूरी बसीरत हो, पूरी मार्फत हो, पूरा यकीन हो कि मेरा यह अमल सुन्नत के मुताबिक है। इस यकीन के साथ अमल करो, इस यकीन के साथ कि मेरा अकीदा शिर्क से पाक है, तौहीद पर कायम हो, इस यकीन के साथ कि मेरे अमल अव्वल से आखिर तक सुन्नत के मुताबिक हैं, इसमें खिलाफ सुन्नत कोई काम नहीं। और इसके साथ मजीद मजीद ये कि मैं बिदात से पाक, कोई खुद साख्ता तरीका मेरी जिंदगी में नहीं है, ना अकीदा ना अमल, मगर वो बड़ी वईद शदीद है उस हदीस की रोशनी में कि क्यामत के दिन हौज़े कौसर से उस तबके को धक्के देके निकाल दिया जाएगा जो बिदात के मर्तकब है। वह हदीस आप जानते हैं, हौज़े कौसर से कुछ लोगों को हटाया जा रहा होगा। अल्लाह के रसूल अल्लाह के यहां अर्ज करेंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, या अल्लाह ये मेरी उम्मत है, इन्हें क्यों हटाया जा रहा है, क्यों धकेला जा रहा है? अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके पीछे क्या क्या नए नए काम जारी कर दिए थे, यानी बिदात जारी कर दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं ये सुनूंगा तो फिर अभी से सुन लो, उस वक्त मेरा जवाब क्या होगा, ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, नमाजी हैं, इनके अज़ाए वुज़ू चमक रहे हैं, छोड़ दें, आने दिया जाए, दरगुजर कर दें। फरमाया नहीं, बल्कि सुन लो मेरा जवाब, मैं वहीं खड़े होकर कहूंगा, सो कन लिमन गैर अबादी, या अल्लाह इनको मुझसे दूर कर दे जिन्होंने मेरे दीन को तब्दील कर दिया था। फिर यह अमल इखलास पर कायम। और मजीद भी बहुत सारे उमूर हैं, उनमें एक अहम तरीन अमर है जिसकी मैं निशानदेही करता हूं, जिस तरफ शायद मेरा और आपका भी ध्यान ना हो, मेरा और आपका जो तौहीद पर कायम है, सुन्नत पर कायम है, और शिर्क से पाक हैं, बिदात से पाक हैं, और हो सकता है इखलास पर भी कायम हो। और वो ये है कि जिस इंसान का खाना पीना मईशत हराम की हो, नाजायज तरीके हो, उसमें हराम की मिलावट हो, उसका भी कोई अमल कबूल नहीं हो, कोई अमल कबूल नहीं हो। ये जिस्म जो जिसकी गिजा हराम है, वो जहन्नम का मुस्तहक। बताओ, गंदे नजस लगे लिबास से नमाज होती है? बताओ, इंसान की तहारत ना हो, तहारत तो दूर की बात है, वुजू ना हो, उसकी नमाज होती है? बताओ, किस जगह नमाज पढ़ रहे, अगर वहां गंदगी पड़ी है, बच्चे ने पेशाब किया हुआ है, क्या वहां नमाज होती है? नहीं होती। तो जो बंदा उस जिस्म के साथ नमाज पढ़े, जिस जिस्म की गिजा हराम है, उस लिबास के साथ नमाज पढ़े, जो लिबास हराम का है, जिसकी गिजा हराम है, जिस जिस्म में खून जो दौड़ रहा है वो हराम से बना है, उसकी नमाज कहां से कबूल होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा हज करने पहुंचता है, मैदान अरफात में पहुंचता है। मैदान अरफात दुआ की कबूलियत का सबसे अहम दिन, जब अल्लाह ताला उन बंदों के जरिए फरिश्तों पर फख्र फरमाता है और फरमा, सबसे बढ़कर किसी एक दिन में अल्लाह ताला जो लोगों को जहन्नम से आजाद करता है वो मैदान अरफा है। और मुसाफिर की दुआ अलग कबूल होती है, गर्द गुबार से अटा हुआ, सफर किया हुआ, वतन से दूर मुसाफिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बंदा उस वक्त मैदान अरफात में हाथ उठा के दुआ करते, या रब्बे या रब्बे या रब्बे, ये दुआएं करता है। लेकिन आगे से जवाब आता है, अन्ना युस्तजाबु लक, तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? मतअमु का हरामन, मशरबु का हरामन, व गुजीत बिल हराम, तेरा खाना पीना, तेरी गिजा हराम की है। मेरे भाइयों, है इस पर ध्यान? वैसे ही अमल कम है, है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो हम करते हैं ना, ये कुछ भी नहीं करते। अल्लाह के रसूल की तरावी जो थी,
तीन दिन। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा कियाम कराया कि हमारे कदम हमें सहरी फौत होने का खतरा हो गया, सहरी फौत होने का खतरा। हालांकि ये बाजमात हो रही थी, आप लोगों पर मुशफिक और मेहरबान थे। तो तन्हा आपकी क्या तरावी होती थी कि साहबा कहते हैं क्या कियाम होता था, आपके कदम सूज जाते थे। हमसे तो डेढ़ घंटा सवा घंटा नहीं खड़ा जाता, क्या मेहनत की हमने, कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा सदका करते थे। साहबा कहते हैं हत्ता के कान न हो रही हन मुरसेला, जैसे तेज आंधी है और सब कुछ को लुटा देना। हमारी मेहनतें क्या है, कुछ भी नहीं है, रोजा है, नमाज भी शायद सुनतू की अदायगी नहीं होती, रकाते रह जाती होंगी, तरावी है वो भी हम देखते हैं कि रात एक जगह हम गए इशा में पहुंचे, मस्जिद भरी हुई थी, जब तरावी शुरू हुई आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे, एक तिहाई लोग बचे हुए थे तरावी में, दो तिहाई लोग जा चुके थे। अब बताओ ये क्या मेहनत है। तो अल्लाह के बंदो आओ मौके से फायदा उठाओ, लेकिन इन सारी शरायत के साथ खास तौर पर मेरे भाइयों आप लोगों को नसीहत करता हूं कि आप तौहीद पर हो, सुन्नत पर हो, इखलास पैदा करो, अपनी मईशत को हलाल बनाओ। और वो लोग जिनको भी अकीदे की फहम नहीं है, इत्तबाए सुन्नत का उनमें जज्बा नहीं है, वो बिदात और खुराफात में पड़े हुए हैं, उन्हें नसीहत करता हूं अल्लाह के बंदो अपनी बुनियाद पहले दुरुस्त करो, बुनियाद सही बुनियाद पर अमल की इमारत खड़ी करो, अकीदे की बुनियाद, इखलास की बुनियाद, इत्तबाए सुन्नत की बुनियाद, इस बुनियाद पर अमल की इमारत खड़ी करो, फिर जहां ले जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मसल कलिमतिन तय्यिबतिन का शजरतिन तय्यिबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। इस्लाम की मिसाल यह है, इसकी जड़ें मजबूत होती है और इसकी शाखें बहुत ऊंची होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल खजूर से दी, खजूर में क्या होता है, उसकी जड़ें नीचे गहरी होती हैं, शाखें बहुत ऊंची होती हैं, उसका फल मीठा होता है, हमेशा वो फल देता है। तो मोमिन की ये शान है, अमल भी है, अखलाक भी है, लेकिन उससे पहले उसकी जड़ें मजबूत हैं। और जड़ों की मजबूती क्या है, ईमान, शिर्क और बिदत से पाक और इत्तबाए सुन्नत का जज्बा। इस प्यारी सोच और फिक्र और मनहज के साथ आओ आगे बढ़ो, इस माह रमजान में तरबियत हासिल कर लो और खूब नेकी कमा लो और आइंदा के लिए नेक और साले बन जाओ। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस्तेकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें मजीद तौफीक अता फरमाए, जो टूटी फूटी मेहनतें हो रही हैं अल्लाह पाक इन्हें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए रहमतों बख्शिशों और जहन्नम से आज़ादी का महीना बना दे। अकूलो कौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।